वहीं लखनऊ में कैबिनेट मीटिंग के बाद हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण से खास बातचीत की। कैबिनेट मीटिंग ओवर हो चुकी है, हमारे साथ खास बातचीत के हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री जी, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या फैसला? आज मेरे वाला कोई नहीं, वो तो प्रेस हो रही है भाई। क्या तो प्रेस हो रही है। कुल कितने प्रस्ताव पास हुए, कुछ बताइए मंत्री जी। चौबीस प्रस्ताव। कुछ आपके विभाग से जुड़ा हुआ किसानों से मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मसलों पर कोई चर्चा हुई? मेरे विभाग का आज कुछ नहीं था। हमारी इस समय 75 शुगर फैक्ट्री चल चुकी हैं, शेष पूर्वांचल की अब 20 तारीख को हम सब चला देंगे। गन्ने का भुगतान 100% 30 दिसंबर तक हो जाएगा। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है, उपचुनाव मुजफ्फरनगर की एक सीट है, खतौली, रामपुर है और मैनपुरी है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से हम जीतेंगे, राज्य मुख्यमंत्री जी ने कहा है जाने के लिए, हम लोग वहां प्रचार के लिए जाएंगे। लगता है कुछ चुनौती है मैनपुरी, खास तौर पर मैनपुरी लोकसभा सीट? जो देखिए, चुनौती तो रामपुर भी थी, चुनौती आजमगढ़ भी थी, चुनौतियों को पार करना ही आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी बातचीत के लिए। आप थे चौधरी लक्ष्मी नारायण, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री। उन्होंने कहा कि चुनौती जरूर है मैनपुरी लोकसभा सीट में, लेकिन चुनौतियों को पाना ही बीजेपी की फितरत है और हम ये चुनाव जीतेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24।